हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शुक्ला और लव आराध्या में आपका स्वागत है। गाइस, बहुत दिनों से एक वीडियो मैं शूट करने की कोशिश कर रही थी, पर ड्यू टू सम रीज़न टाइम नहीं मिल पा रहा था इसको शूट करने के लिए। सो जो फर्स्ट चीज़ जिसकी वजह से ये शूट नहीं हो पा रही थी वो था मेरी रिसर्चेस। गाइस, ये वीडियो है कोरोना वायरस के बारे में। सो मैं नहीं चाहती थी इस ऐसे एक सीरियस इशू के बारे में मैं ऐसे ही कोई वीडियो बना दूँ। तो दो तीन दिन से मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा है और उसी के बाद मैंने इसको नोट डाउन किया है कुछ पॉइंट्स जो कि मुझे लगता है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दिस वीडियो आज मैं आपसे पूरा सब कुछ कहने वाली हूँ कोरोना वायरस के बारे में, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑल दो वी ऑल नो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस है जिसको हमें क्लियर भी करना है। तो आज हम मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे। गाइज, एज यू ऑल नो कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो चलिए, हम इससे कैसे हम लड़ सकते हैं इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिलने वाली है। सो पहले बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। As we all know कि करोना वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने हाथ धोइए, क्योंकि करोना वायरस इज स्प्रेड होने का एक ही रास्ता है, वो है ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन। सो ये बस छूने से ही फैलेगा। ये जो वायरस है वो हवा में नहीं है। तो बस अगर आप कोई अफेक्टेड है करोना वायरस से, अगर उसको आप छूते हैं तो तभी आपके ऊपर वो वायरस आएगा। तो अगर आपके हाथ में वो वायरस है तो वो वायरस आपके अंदर, आपके आँख, नाक और मुंह, ये तीन जगह के थ्रू आपके अंदर जा सकती है। सो इसीलिए प्लीज़ अपने मुंह को टच मत कीजिए, जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए टचिंग योर फेस। और अगर आपको कोई ऐसा सस्पेक्ट दिखे जिनको आप करोना वायरस है, आपको लगता है अगर आपको सस्पेक्टेड है कोई, तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बरते और उस जगह को जहाँ पे वो बंदा खड़ा है या उसने कोई छींक कोई नॉर्मल इंसान भी कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो वो जगह के आसपास के इलाकों को प्लीज़ डोंट टच, बिल्कुल टच मत कीजिए। क्योंकि अगर वो सस्पेक्टेड है करोना वायरस से, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं जो खांसने की वजह से, छींकने की वजह से उस ज़मीन पे, उस सरफेस पे गिरा है, वो आपके हाथ पे आ सकता है। एंड आप चाहे या ना चाहे वो वायरस आपके हाथ में आ चुका होगा, अगर आपने वो सरफेस या वो आसपास के कोई भी चीज़ टच किया है जहाँ पे कोई करोना वायरस सस्पेक्टेड इंसान ने टच किया है, या फिर उसके खांसने की वजह से वहाँ पे ड्रॉपलेट्स गिरा है। सो प्लीज़ अवॉइड टचिंग एनी थिंग गाइज। ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ हैंडशेक करेंगे या किसी इंसान को छुएंगे तभी आपको कोरोना वायरस हो सकता है, आपको कोई चीज़ छूने से भी हो सकता है। सो प्लीज़ आप ये सावधानी बरते। और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। बिकॉज अगर आप बाहर कुछ खाते हैं, सपोज़ आप कहीं पानी पूरी खाने गए हैं, सो जो पानी पूरी वाला है, अगर उसको करोना नहीं भी है, हो सकता है कि वहाँ कोई आने वाला कोई इंसान करोना सस्पेक्टेड है, उसके खांसने से, उसके छींकने से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उधर गिरा है। सो आपने अनकॉन्शियसली कुछ भी ऐसा टच कर लिया जिसमें वही करोना सस्पेक्टेड का ड्रॉपलेट गिरा है। सो आई एम सॉरी माय डियर, आपके चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी यू कैन बी अफेक्टेड बाय करोना।
सो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए, अगले कुछ महीनों में बाहर की कोई भी चीज़ बिल्कुल ना खाए, बिल्कुल ना यूज़ करें। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि हमको बाहर से ही लाना होता है, उसको लाने के बाद उसको अच्छी तरह से धोइए, एंड उसको धोने के बाद अपना हाथ बिल्कुल कोई सैनिटाइज़र से या फिर हैंड वॉश से धो लीजिए। गाइज, सैनिटाइज़र की बात आती है तो सबसे पहला चीज़ यही याद आता है कि अभी हमारी इंडिया में क्राइसिस हो गया है सैनिटाइज़र का। सो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है, यू कैन यूज़ अ आफ्टर शेव लोशन इंस्टीड ऑफ अ सैनिटाइज़र। वो भी बिल्कुल सेम काम करेगा जैसा कि आपका सैनिटाइज़र काम करता है। नेक्स्ट, प्लीज़ आप चेक कीजिए आपको ये सारी जो सिम्टम्स है वो हो रहा है कि नहीं, लाइक कफ, कोल्ड, फीवर, गले में दर्द, शॉर्ट थ्रोट या फिर रनी नोज, ये नाक से पानी बहना, ये सारी चीज़ें अगर आप में दिख रहा है, सो प्लीज़ 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 फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ एंड फॉर एवरीवन्स हेल्थ, प्लीज़ आप चेकअप करवाइए और अपने आप को प्लीज़ घर पे रखिए। आपकी वजह से कोई और अफेक्टेड होगा तो ये अच्छा नहीं लगता है। आप घर पे रहिए। और एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगी गाइस, कोरोना से इतना भी नहीं डरना चाहिए जितना हम डर रहे हैं, क्योंकि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि 80% जो लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं कोरोना से अपने आप ही। जो ओल्डर इंसान हैं 60-65 के अप, या और जो यंगर बेबीज़ हैं लाइक 10 ईयर्स से नीचे वाले, वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, उनके अफेक्टेड होने में और उनके ठीक होने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है अफेक्टेड होने के बाद। और अगर कोई इंसान डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इनसे, और उनके जो ठीक होने के चांसेस है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैदरिंग्स की। जितना हो सके उतना गैदरिंग अवॉइड कीजिए। मार्केट में भी अगर आप जाएँ तो ऐसा नहीं कि हम जैसे बहुत ज़्यादा भाव करते हैं, तोलते हैं कि इतना नहीं इतने दो। प्लीज़ डू अवॉइड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। जितना बोल रहा है, जो बोल रहा है, बस आप लेके आ जाइए, उससे उतना वहाँ कोई मार्केट में कुछ नहीं हो जाएगा आपका। थोड़े दिन आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए ये सारे गैदरिंग्स, पूरा भीड़ में जाना ये सब बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोंट्स की। सो फ्रीक्वेंटली अगर आप क्या हैबिट है कि आप अपना हाथ अपने फ़ोन से टच कर रहे हैं किसी या फिर किसी को हैंडशेक कर रहे हैं किसी से मिलने के बाद, सो प्लीज़ ये ना कीजिए। जितना हो सके अपने फ़ोन को पॉकेट में रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपना फ़ोन निकाला है और वो फ़ोन जो है फ़ोन को अपने टच किया है, सो एज़ यू आर वॉशिंग योर हैंड फ्रिक्वेंटली, प्लीज़ अपने फ़ोन को भी एक वेट टिश्यू से साफ़ कीजिए, और वो टिश्यू एक कोई ढक्कन वाले डस्टबिन में ही फेंकिए, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हमें मानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट गाइज, डोंट टच योर फेस फ्रिक्वेंटली। अगर आपको आपका फेस टच भी करना हो रहा है तो आप रुमाल से या फिर कोई टिश्यू से टच कीजिए। अगर आपको खांसी आ रही है, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, प्लीज़ आप ऐसे खांसीए तो आपके हाथ में जो है नहीं आएगा जर्म्स, वो इधर ही रह जाएगा। तो आप जब कपड़ा उतारेंगे और कपड़े को अच्छे से धोएंगे तो वो जो जर्म्स है वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। सो ये प्लीज़ आप मानिए। एंड द मेन थिंग जो हमें करना है वो है, हमें डर नहीं फैलाना है गाइस। मिथ्स को यकीन मत कीजिए, मिथ्स पे यकीन मत कीजिए। आप एक एडुकेटेड देश में रह रहे हैं और आप एक बहुत अच्छे जगह से बिलोंग करते हैं, आप ओ ये सब शोभा नहीं देता है। आप ये जो मिथ्स फैला रहे हैं इससे आप भी डर रहे हो और आपके साथ साथ आप अपने पूरे सोसाइटी को भी डरा रहे हो। सो प्लीज़ डरिए मत,
बस प्रिकॉशन लीजिए और अलर्ट रहिए। अलर्ट रहने में और डर के रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइस। सो प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डरिए नहीं, अलर्ट रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, इतना डरने की कोई बात नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स फैली हुई है। सो पहली मिथ के बारे में बात करते हैं। सो पहली जो मिथ है जो हमने अपने आप ही फैला रखी है वो है कि हॉट और कोल्ड क्लाइमेट एरिया में ये जो वायरस है वो स्प्रेड नहीं होता है। गाइस ऐसा कोई भी अभी तक खबर नहीं आई है कि ज़्यादा हॉट वेदर हो गया या ज़्यादा कोल्ड वेदर हो गया तो उसमें वायरस नहीं फैलेगा, क्योंकि हो सकता है कि गर्मी में भी फैले, हो सकता है ठंडी में भी फैले, क्योंकि अभी तक कोई रिसर्च ऐसा नहीं बोल रहा है कि हॉट वेदर में नहीं फैलेगा या कोल्ड वेदर में नहीं फैलेगा। ये सब गलत चीज़ें, ये सब बिल्कुल बकवास है, इस पर बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिए। जो करना है फ्रिक्वेंटली अपना हाथ धोइए, अलर्ट रहिए। नेक्स्ट एक चीज़ जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मैं कहूँगी कि अगर आपने कोई कोरोना सस्पेक्ट देख लिया या उनसे आपका टचिंग हो गया किसी भी तरह से, तो अगर आप हॉट बाथ ले लेंगे या एक ग्लास हॉट वाटर आप कंज्यूम कर लेंगे तो वायरस जो है वो निकल जाएगा। सो गाइस मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप 100 डिग्री सेल्सियस में जो पानी बॉयल होता है वो उसी टेम्परेचर वाला पानी आप पी सकते हो? नो माय डियर, आप नहीं पी सकते। आपका जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 36.5 से 37 के बीच में ही होता है। सो इतने टेम्परेचर में भी अगर कोरोना आपके बॉडी में रह रहा है तो माय डियर कितना भी आप गर्म पानी पी लो उससे कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कोई कोई तो अभी ये भी बोल रहा है कि निमोनिया और HIV का जो वैक्सीन है वो अगर आपने लगा लिया है तो आपको कोरोना नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक WHO की तरफ से ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि निमोनिया और HIV के वैक्सीन लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत लोग बोलते हैं कि गार्लिक कंज्यूम करने से कोरोना वायरस से बच सकते हो। सो माय डियर, गार्लिक इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ गुड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। हो सकता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो गार्लिक से मरते होंगे, लेकिन कोरोना जो है वो सबका बाप है। सो इसीलिए अभी कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही फैल रहा है। गार्लिक कांट स्टॉप कोरोना। नेक्स्ट जैसा कि मैंने अभी मेरे वीडियो में भी कहा कि ओल्डर पीपल और चाइल्ड्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। सो माय डियर प्लीज़ ज़्यादा वर्ड पे ध्यान दीजिए, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि बस ओल्डर पीपल और बच्चे ही इसका शिकार हो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। मेजरली अफेक्टेड होने का चांस ओल्डर पीपल और चाइल्ड्स में, या फिर आपका अगर डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, लीवर डिजीज़ या कुछ भी ऐसा आपका आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो अगर लो है, सो आपके कोरोना अफेक्टेड होने के बाद का जो ठीक होने का प्रोसेस है उसमें आपके चांसेस कम हैं। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर आप ओल्ड नहीं हो, चाहे बच्चा नहीं हो, सो आप बच गए कोरोना से। सो माय डियर ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा मिथ है एंड जिसने दिमाग खराब कर रखा है वो ये है, नॉन वेज कोरोना। भाई आप कहाँ हो, हम कच्चा खाते हैं क्या नॉन वेज? हम कोई कच्चा चिकन लाके थोड़ी ना खा रहे हैं कि हमको कोरोना वायरस हो जाएगा। ये तो बच्चा भी बता सकता है कि कोई भी खाना जो इंडिया में जिस तरह से पकता है हम उसको अच्छे से बॉईल करते हैं। सो बॉईल करने से कोई भी बैक्टीरिया मरता है, कोई भी चीज़ मर जाता है। सो जो आपको करना है कि वो आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, उसको अच्छे से धोइए। फ्रूट्स को तो बॉयल नहीं कर सकते, खैर जाने दीजिए, लेकिन वेजिटेबल्स को और जो एग्स,
फिश और चिकन मीट ये जो खाते हैं हम लोग उसको अच्छे से बॉईल करके खाना है. दैट्स ऑल. हम कच्चा नहीं खाते हैं खाना कि पूरा वायरस जो है हमारे अंदर ही चला गया. और प्लीज़ ये सारी चीज़ों से मत डरिए. अभी इंडिया का सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रूशल है. सो इसमें हम सबको इकट्ठे होके इस वायरस से लड़ना है गाइज. ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम नहीं जीत सकते. अगर साथ में मिल जाए तो हम क्या नहीं कर सकते. तो आइए साथ होते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं. घर से तभी निकलेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ेगी, उससे पहले नहीं निकलेंगे. गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ को अवॉइड करेंगे, खुद को और दूसरों को भी सेफ रखने की कोशिश करेंगे. अगर कोई भी सिम्टम्स दिखा तो सबसे पहले अपने आप को घर के अंदर ही रखने की कोशिश करेंगे, चेकअप करवाएंगे डॉक्टर से. ये सारी चीज़ें प्लीज़ मान के चलिए. एंड अगर आपको कोरोना पॉजिटिव भी है सो प्लीज़ डोंट वरी. हमारे देश में ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत लोग हैं जो आपके लिए प्रे करेंगे, आप का ठीक होने के लिए भी कोशिश करेंगे. एंड माय डियर, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, डोंट वरी ऑन दैट. प्लीज़ गाइस, डरिए मत, प्रिकॉशंस लीजिए, सेफ रहिए. एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए. एंड कल एंड आई मीन 22 मार्च, क्योंकि आज मैं 21 को शूट कर रही हूँ वीडियो, सो 22 मार्च को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू रखा है सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक. प्लीज़ उसको मानिए, उसको मान के चलिए. एंड कोशिश कीजिए अगर आपको बाहर काम ना हो सो बस 22 ही नहीं, 23rd, 24th, 25th एंड सो ऑन आप कर्फ्यू में ही रहे, घर के अंदर रहे, सेफ रहे, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच.